हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एक्सेल ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप एक्सेल पे काम करते हैं और आप एक बड़े डेटा के साथ काम करते हैं तो आपको कॉमा हटाना होता है कई सारे मल्टीपल डेटा को, फिर वो चाहे नंबर फॉर्मेट में हो या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, तो उसे कैसे हटाएंगे वो पूरी डिटेल जानेंगे। बड़ा सिंपल तरीका है, शॉर्टकट है, कई सारे तरीके हम बताएंगे, तो चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पर हमने सैंपल डेटा लिया हुआ है, मान लीजिए ये आपका एक डेटा है लेकिन आपका लंबा डेटा है, 10,000, 20,000, 40,000 पे आप काम करें तो आप कैसे हटाएंगे। अब आपके पास कोई डेटा डाउनलोड आया जिसके कॉमा तो दिख रहा है लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे इसके इस फार्मूला बार पे तो कॉमा नहीं है, तो हटाना क्या होगा। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और होम मेन्यू के यहाँ पर नंबर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसमें नंबर पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, या फिर आप Ctrl+1 शॉर्टकट प्रेस करोगे तो भी ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो कोई भी सेलेक्ट रहेगा तो नंबर पे आप नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक यूज 1000 सेपरेटर लिखा है, तो इसको अनचेक करेंगे। जैसे अनचेक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा इसका रिफ्लेक्शन, यहाँ पर ये पूरी तरह से हट गया है। तो ये तरीका होता है जहाँ पर आपके सामने डेटा रहता है और यहाँ पर आपको जो है कॉमा हटाना होता है, लेकिन कॉमा एक्चुअल में लगा नहीं होता, वो नंबर फॉर्मेटिंग के कारण होता है। ठीक, नंबर में यदि इस तरह से लगा हुआ तो हम हटा सकते हैं। यदि हम टेक्स्ट की बात करें, आपके सामने टेक्स्ट है, डाउनलोड किया आपने, टेक्स्ट इस तरह से आया और उसमें कॉमा लगा हुआ है तो कैसे करना है। इसी तरह यदि आपके नंबर में भी लगा रहता है तो कैसे हटाना है, यहाँ पर हम शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा, डेटा को सेलेक्ट करना है सबसे पहले और Ctrl+H दबाना है, आपके सामने ये रिप्लेस का एक ऑप्शन आ जाएगा, फाइंड एंड रिप्लेस। कोई भी सेलेक्ट रहेगा तो आप रिप्लेस पे जाइएगा और फाइंड पे, क्या हमें फाइंड का मतलब ये होता है कि हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, मतलब हमें कॉमा फाइंड करना है अपने डेटा से और उसको रिप्लेस कैसे करना है, कुछ लिखना है या उसमें सीधे सीधे ब्लैंक छोड़ना है। यदि आपको ब्लैंक छोड़ना है तो कुछ भी मत करिएगा, या फिर आपको कोई भी ऑपरेटर लगाना है, डॉट या स्लैश जो भी लगाना है तो यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं लगाना है तो हम रिप्लेस ऑल करेंगे, अभी देखिएगा यहाँ पर बदल जाएगा। इस तरह से ये हट चुका है पूरी तरह से कॉमा, फिर आप अपने डेटा में अपने इच्छित कार्य को कर सकते हो। तो इस तरह से बड़ी ही इजीली तरीके से आप जो है डेटा से कॉमा को हटा सकते हो। इस फाइल को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डाउनलोड करने के, आप इस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आई होप ये वीडियो उपयोगी रहा होगा, इसी तरह के उपयोगी वीडियो के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।